हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट पूर्णिमा 2022 शुभ तिथि शुभ मुहूर्त व्रत कब रखें, पूजा व पारण कब करें और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ जरूरी कामों के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री व्रत करने की परंपरा है। इसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। यह व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन वट वृक्ष व सावित्री शक्तिवान की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वट पूर्णिमा व्रत 2022 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि क्या होगी। आइए जान लेते हैं वट पूर्णिमा व्रत शुभ मुहूर्त के बारे में। वट पूर्णिमा व्रत तिथि होगी 14 जून मंगलवार को। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 जून रात 9:02 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 जून शाम 5:21 पर। साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 11:54 से दोपहर 12:49 तक। व्रत के पारण का समय होगा 15 जून बुधवार को। आइए जान लेते हैं वट पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वट सावित्री की ही तरह इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें। पूजा के लिए बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल अर्पित कर पुष्प अक्षत फल फूल और मिठाई चढ़ाएं। अब बरगद के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत या कलावा बांधकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लें। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा सुनें और आरती करें। यदि आप घर पर ही पूजा कर रही हैं तो वट वृक्ष की एक डाल घर लाकर भी इसकी विधिवत पूजा कर सकती हैं। आइए अब बात करते हैं सौभाग्य प्राप्ति हेतु किए जाने वाले महा उपाय के बारे में। इस दिन पूजा के बाद श्रृंगार का सामान किसी अन्य सुहागन महिला को देना चाहिए। आज के दिन बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने से योग्य वर सौभाग्य की प्राप्ति और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। वट पूर्णिमा व्रत में सात्विक आहार और विशेष कर मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए। इस व्रत में व्रत कथा का विशेष महत्व है, इसलिए व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। जय श्री हरि।